ये सब सप्लाई कर रहे थे जीएसटी में, ठीक है। सेक्शन 10 और सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी 2017, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने सेक्शन 10 किया था, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो तो तब क्या होगा, तो 5 चीजें थी। सबसे पहले वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, उस केस में क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन क्या था, मूवमेंट कंपोनेंट्स और जनरेट होगा रेसिपिएंट। जो मूवमेंट है वो सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है, और थर्ड पर्सन भी कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर सप्लायर डज नॉट रिकॉर्ड मूवमेंट तो क्या होगा, जो होता है फिर असेंबलिंग इंस्टॉलेशन असेंबली एंड सर्विस प्रोपोज इंफॉर्मेशन हो जाएगी फिर सप्लाई, और ये पूरे कन्वेंस दिए जाएंगे गुड्स। तो उसके लिए क्या होगा, फिर सप्लाई प्लेस एड्रेस द गुड्स आर टेकन ऑन टू हो गए, ठीक है। क्या लगता है, थैंक यू। ये इतना पढ़ा अपन ने, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे सेक्शन 12, वेयर रेसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर लोकेटेड इन इंडिया, दोनों लोग अगर इंडिया में सिचुएटेड हैं तब ये सेक्शन लगेगा, एक भी व्यक्ति अगर बाहर सिचुएटेड है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जनरल रूल पढ़ा था। जनरल रूल ये था कि अगर पर्सन कस्टमर जो है हमारा वो रजिस्टर्ड है किसी प्लेस पे, तो वो प्लेस हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस रेसिपिएंट, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है बॉक्स में, तो वो एड्रेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है, तो नॉर्मली उसके पास एड्रेस होता है या नहीं होता है, आपका एड्रेस होगा या नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगा। इंश्योरेंस कंपनी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ ऐसी है जो इंश्योरेंस एक्सेस करता है वो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कॉल वो देता है आपको, उसमें एड्रेस हमेशा मेंशन रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी है जो एड्रेस, बैंक है जो एड्रेस, जहां जहां आपका एड्रेस होता है वहां पे लोकेशन वेयर वो जो एड्रेस है वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस नहीं है सामने वाले के पास तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नंबर 1 देखा था हमने, इमोबल प्रॉपर्टी। इमोबल प्रॉपर्टी के जितनी भी सर्विस हैं, आर्किटेक्ट की हैं, तो इमोबल प्रॉपर्टी के जितनी सर्विस हैं, अकोमोडेशन हो गया, आर्किटेक्ट की हो गई, उनसे एंसिलरी जो भी सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन का हो गया, इंजीनियर का होगा, कोई भी सर्वेयर हो गया, सर्विसेज रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए प्लेस अप्लाई क्या होगा, वेयर वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहां पे है या जहां पे बनने वाली है। अगर एक से ज्यादा स्टेट में होगा तो क्या करेंगे, दो स्टेट की बात करेंगे। अगर इंडिया के बाहर में तो क्या करेंगे, लोकेशन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंडिया के बाहर में तो बाहर वाली लोकेशन नहीं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा अभी तक जितना पढ़ा उसको कोरिलेट करने के लिए कुछ इनवॉइसेस दिखा रहा हूँ, कुछ बिल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कंटेंट्स पे ध्यान मत देना, सिर्फ जो दिखा रहा हूँ वो देखना, ठीक है। तो एक ये इनवॉइस है, सबसे पहले ये इनवॉइस गुड्स का है कि सर्विसेज का है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेंबरशिप फीस भरी है मैंने, तो उसका इनवॉइस है, ठीक है। तो ये सर्विसेज है, मेंबरशिप फी सर्विसेज हुआ, गुड्स नहीं हुआ ना, कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर हो तो उसकी मेंबरशिप फी जो भरते हो वो क्या है, सर्विसेज, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ क्या क्या आ रहा है, ये सप्लायर डिटेल्स, ये जो पूरा है क्या है, सप्लायर डिटेल्स। क्या आपको इससे लोकेशन ऑफ सप्लायर पता चल रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है,
हाँ उत्तर प्रदेश नोएडा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? ठीक है, ये सप्लायर आईसीआर वेंडर ऑर्गेनाइजेशन, ये सप्लायर है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यहाँ लिखा है स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, जीएसटी नंबर भी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब ये मतलब ये बारे में, ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? मध्य प्रदेश। अब प्लेस ऑफ सप्लायर बताना है आपको, प्लेस ऑफ सप्लायर क्या होगा? सर्विसेज है, जनरल रूल लगेगा। मैं रजिस्टर्ड हूँ क्या? नहीं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। रजिस्टर्ड हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्यों मेरी लोकेशन? रिकॉर्ड्स नहीं, एड्रेस एक्सिस्ट इन देयर रिकॉर्ड्स, मेरा एड्रेस उनके रिकॉर्ड में है, तो इसलिए मेरी लोकेशन, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, लेकिन इस केस में क्योंकि वो दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ दोनों मध्य प्रदेश लिखा है। तो अब हमको देखना है कि इंटर स्टेट सप्लाई की इंट्रा स्टेट सप्लाई की पूरे पंचायत तो क्यों है, ये जानने के लिए इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट। तो क्या क्या चीज देखते हैं ये जानने के लिए, इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? जो स्टेट का नाम, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यूपी। और प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है? कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो बिल्कुल लगता है आईजीएसटी। ये समझ में कौन सा टैक्स लगा है? आईजीएसटी। क्लियर? 10,000 रुपए, फिर 18%, 1,800 रुपए, कुल 11,000 रुपए। ठीक, समझ में आएंगे? एचएसएन एसएससी क्या होता है? सिस्टम और सर्विस अकाउंटिंग बोर्ड। तो इससे हमको पता चलता है कि क्या है नेचर सर्विसेज का, रिपोर्ट्स का। तो गुड्स के लिए एचएसएन यूज होता है और सर्विसेज के लिए एसएससी। तो दोनों लिख दिया उन्होंने कि अगर गुड्स के लिए रहा होगा तो उसको बुक कौन पाता से, तो बुक में वो एचएसएन मेंशन कर देंगे आपको, सर्विसेज के रहा होगा एसएससी मेंशन कर देंगे। तो ये मेंबरशिप फी जो सर्विसेज है उसका एसएससी है 999, 999 सिग्निफाई करता है मेंबरशिप सर्विस फीस, ये सब जो सर्विसेज है वो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब दूसरा इनवॉइस देखते हैं अपन। ओडा, ओला राइड भी करना। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एयरपोर्ट से लेकर नवी मुंबई तक। ठीक है, ये मैप बना हुआ है। ठीक है, तो अपन इस पे आते हैं, इनवॉइस पे। ठीक है, ये तो सिर्फ डिटेल्स है, इनवॉइस कहाँ पे है वो देखते हैं, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। ठीक है, कौन सी सर्विस थी मैंने? रेंटिंग ऑफ मोटर कैब, इसका एसएससी लिखा है, सर्विस अकाउंटिंग बोर्ड 996412। तो 996412 भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन इसका टर्नओवर ज्यादा है इसलिए इसको 6 डिजिट का मेंशन करना जरूरी है। तो वो पढ़ेंगे कब 6 डिजिट करना है, कब 4 डिजिट करना है, कब 8 डिजिट करना है। ठीक है, तो ये पूरा मेंशन किया है उसने, मतलब जितने ज्यादा डिजिट होंगे उतना ज्यादा ड्रिल डाउन करके आप बारीकी में जा पाते। ठीक है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। अब ओला में हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? मैंने ओला की सर्विसेज दी, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अच्छा, जो मोटर कैब चला रहा है इसकी मोटर कैब भी पूछ रहा था जी, ये है ना सर्विस प्रोवाइडर? ओला है सर्विस प्रोवाइडर, ओला क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मुशर्रफ खान क्या है? सर्विस प्रोवाइडर।
संजय अग्रवाल क्या है, रेसिपी है, और बोला क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसका टैक्स कौन भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन क्या था? सेक्शन सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन क्या था? 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो आप देखते जाना। ठीक है, ये डिटेल्स आ गए, राइट भी आ गई, ये सब डिटेल्स हैं। अब इसमें क्या लगाया है? सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है? तो ये हम अभी एक्सेप्शंस में भी पढ़ेंगे। वहां पे मेरा एड्रेस क्या था? मैं तो रहने वाला जबलपुर का हूँ, बट ओला के तो पर्सनल नहीं है, आप कहाँ रहते हो? ओला की बुक्स में मेरा एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्मल प्रोविजन से ही पढ़ते हैं। जैसे इसका अलग प्रोविजन है तो उसमें मैं बता दूंगा। तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा एड्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब मुझसे जो पता है ना, तो मुंबई है क्या? और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी मुंबई है, प्लेस ऑफ सप्लायर भी मुंबई है, तो इंट्रा स्टेट सप्लायर होगी। इंट्रा स्टेट सप्लायर में क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, टोटल के पैसे लगा दिए रहते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नोट इम्पोर्टेंट है, दिस इनवॉइस इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड इन द कैपेसिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। एएनआई टेक्नोलॉजी मतलब ओला। ओला तो बोलचाल की भाषा में है उसका ट्रेडमार्क, बट कंपनी का नाम क्या है? एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। पेटीएम है तो उसकी कंपनी का नाम है 197, ONE 197 है ना? तो ओला कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम क्या है? एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड करस्पॉन्डिंग, जब आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 है, मैंने बताया था ना चार्जिंग सेक्शन, तो लिस्ट लिखी थी अपन ने, उसमें क्या था? 5। तो 5 का भी सबसेक्शन 5, तो ये लिखा है ऑफ द स्टेट जीएसटी लॉ की, गलत लिखती है इसने, ऑफ आईजीएसटी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्टेट जीएसटी लॉ और सेंट्रल जीएसटी लॉ एक ही जैसे हैं, उनके सेक्शन नंबर सेम है, ये आईजीएसटी लिखना चाहिए था इसको, उसने गलत लिख दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी गलती नहीं कर सकती। हाँ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा है इसने कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया ओला एएनआई। ये बाकी डिटेल्स आ गए। अब दो चीजें होंगी हैं, एक तो मेरे मुझसे टोटल पैसे कितने लिए गए ऊपर देखना, टोटल पैसे कितने लिए गए मुझसे? 1008। तो 1008 का दो ब्रेकअप दे दिया, उसने बोला भैया 1008 में से तो 840 रुपए तो हमने मुशर्रफ खान को दे दिया और बाकी हमने रखे हैं 160, 167 रुपए। ठीक है, तो ये 167 का अलग इनवॉइस है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ओला। जो ओला ने अपने चार्जेस लिए उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ओला। एक तो उसने मुझसे रेंटिंग ऑफ मोटर कैब के पैसे लिए 840, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन था? मुशर्रफ खान। एक ओला ने अपने चार्जेस भी लिए जिसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? ओला। दोनों केस में रेसिपिएंट कौन हूँ? मैं। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखा है? प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी महाराष्ट्र ही है, तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा। ठीक है, ये रहे मतलब ये दो इनवॉइस थे। रेंटिंग ऑफ मोटर कैब का अपन अलग प्रोविजन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई में बता दूंगा क्या होती है, तो उससे फिर कोरिलेट कर लेना। अब एक और थर्ड दिखा रहा है इनवॉइस, ये दो इनवॉइस में दिक्कत है, प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस समझ में आ रहा है? अब देखो ये मैंने नवी मुंबई में कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए,
ठीक है, तो मेरा एड्रेस जहां पे डिलीवरी की हमने वो डाल दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स 8 है कंपनी जिससे मैंने खाना बढ़वाया, स्विगी है जिसके थ्रू आया खाना, ठीक है। तो सप्लायर कौन है? बॉक्स 8। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? स्विगी। और रेसिपिएंट मैं हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखो क्या लिखी है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कहाँ? महाराष्ट्र। रेसिपिएंट का एड्रेस क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? महाराष्ट्र, ठीक है। रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, मतलब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है क्या? नो। देखो हर जगह लिखा था, उसमें भी लिखा है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, नो। चार्ज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नो, मतलब रेसिपिएंट को नहीं देना है टैक्स, टैक्स उसको देना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि ये भी नोटिफाइड सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दी जाती है, तो वो नोटिफाइड है, उसका टैक्स कौन देगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बिल हुआ और डिटेल्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर दे दिया इन्होंने नीचे, बंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्विगी, ठीक है। स्विगी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसका एड्रेस उसका ये दे दिया, दिस इनवॉइस इशूड बाय बंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्विगी इन कंप्लायंस विद सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 रेड विद नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें सही लिखा है स्विगी ने, ओला वालों ने गलत लिखा था आईजीएसटी में, ठीक समझ रहे हो? तो प्लेस सप्लाई का ये रेलेवेंस है, सीजीएसटी रजिस्ट्री चार्ज के। ऐसे ही एक और इनवॉइस दिखा देता हूँ, ये आईसीआई की इनवॉइस है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट के पास मेरा एड्रेस अवेलेबल है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? मध्य प्रदेश। सप्लाई टाइप B2C, B2C क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब सप्लाई दी जाती है तो उसको बोलते हैं B2C, ठीक है। रिवर्स चार्ज नो है, टोटल पैसे कितने ले लिए हमने मुझसे? 7,670। तो इसमें क्या लगाया है? आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी लगाया है? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? न्यू दिल्ली। और प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है? मध्य प्रदेश। दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो क्या लगाना पड़ा इनको? आईजीएसटी। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ई एंड ओ किसको होता है? ई एंड ओ का फुल फॉर्म होता है एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब भूल चूक लेनी देनी, हिंदी में देखा हो बिल में नीचे लिखा था भूल चूक लेनी देनी, तो ऐसे यहाँ पे लिखा है एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, मतलब हो सकता है कि कुछ इसमें गलती हो तो वो हम आगे सुधार सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ई एंड ओ। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? चले आगे हम, तो अब बाकी एक्सेप्शंस पढ़ते हैं अपन। एक एक्सेप्शन पढ़ लिया था इमोवेबल प्रॉपर्टी का, ये यहाँ लिखा है देखो, B2B ट्रांजेक्शन, रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को जो ट्रांजेक्शन होगा B2B होगा, ये B2C है, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन B2C, B2C, ठीक है। B2C में रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को होता है, ठीक है। अब मैं बाकी पढ़ते जा रहा हूँ और साथ साथ समझाते जा रहा हूँ, तो थोड़ा अटेंटिव रहना है क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट है, बट ये सब याद रखने हैं अपन को, बहुत सारे पॉइंट्स ही हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, अभी अपन ने रेस्टोरेंट सर्विसेज का बिल देखा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए क्या होगी? इट इज नॉट द जनरल रूल विच विल अप्लाई,
रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हूँ, मैं मुंबई में जाके खाना खा रहा हूँ, तो प्लेट्स ऑफ सप्लाई होगी मुंबई ना कि जबलपुर, मेरे एड्रेस से कोई लेना देना नहीं। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, केटरिंग क्या होता है, शादी ब्याह में देखते हो ना वो जो खाना लगाते हैं टेंट के साथ, खाना पीना की व्यवस्था करते हैं, वो केटरर्स होते हैं, तो वो केटरिंग सर्विसेज हो गए। रेस्टोरेंट मतलब बेसिकली आप कहीं जाके खा रहे हो, और वो होटल वाले को बुला लो, यहाँ पे लगा दो पूरा अपना, यहीं खाना बनाओ, यहीं पे सर्व करो, तो वो क्या हो गया, केटरिंग। पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी शेल बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं, वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। मैं प्लास्टिक सर्जरी कराने गया बेंगलोर, डॉक्टर आया दिल्ली से, मैं हूँ मध्य प्रदेश से, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बैंगलोर, जहां पे प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, समझ रहे हो। तो ये सबको एक एक हाँ एक एरो बना के, एक ब्रैकेट बना के बाजू में लिख लो, इन सबको सर्विसेज में एक चीज कॉमन है, ITC इज नॉट अवेलेबल, इन सब सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अपन वहां पे भी ये पढ़ेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में, तो उससे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो, ITC इज नॉट अवेलेबल, ऐसा लिख लो बाजू में, तो याद रहेगा कि ये वो सारी सर्विसेज है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। कौन कौन सी सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। ज्यादातर सर्विसेज आप देखोगे पर्सनल नेचर की है, पर्सनल खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट हो गया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है स्टाफ को, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, एक्सेल की ट्रेनिंग, और जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग, ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग, बहुत तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, नया कोई एक्ट आ गया तो उसकी ट्रेनिंग, कोई कंप्लायंस करना है उसकी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि हर साल बोनस डिसाइड करने के लिए या हर साल एम्प्लॉयज का अप्रेजल होता है कि भाई कैसा परफॉर्म किया आपने, सही किया खराब किया, तो बाहर से लोगों को हो सकता है अपॉइंट किया हो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, तो उनकी सर्विसेज। अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। आप बोलोगे रेसिपिएंट की लोकेशन तो जनरल क्लॉज में भी है, तो एक्सेप्शन में डालने की क्या जरूरत थी, तो एक्सेप्शन में डालने के लिए इसी जरूरत थी, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट कि अगर ऐसे पर्सन को आप ट्रेनिंग अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपके पास एड्रेस है उसका, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, ठीक है। सपोज एक कंपनी है दिल्ली की, उसने अपने एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए मुंबई की कंपनी को हायर किया, दिल्ली की कंपनी ने ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए मुंबई की कंपनी को हायर किया, मुंबई वाली कंपनी ने बोला कि भैया ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी आपके एम्प्लॉयज की, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है इनको, इनको हमको थाईलैंड ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने थाईलैंड ले जाके ट्रेनिंग दी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो आपको पूछना है कि जो दिल्ली वाली कंपनी है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा, थाईलैंड, समझ रहे हो। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर डिपेंड करेगा, रेसिपिएंट के रजिस्टर्ड है तो उसकी प्लेस, नहीं है तो जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म,
नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। तो एडमिशन, एडमिशन मतलब एंट्री फीस चार्ज हो रही है। कोई भी आजकल भवतल गार्डन भी जाओ तो वो पर्ची काट देते हैं, ब्राइट टाउन स्टेडियम जाओ वहां पे भी आपको पैसा देना पड़ता है घुसने के लिए, सर्कस देखने जाओ वहां पे लगती है फीस, यमुना नेचर पार्क जाओ वहां पे भी टिकट लगती है, जू कहीं पे भी जाओ तो आजकल टिकट लगती है। तो वो जो टिकट लग रही है वो किस लिए लग रही है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? अंदर घुसने की सर्विसेज, एडमिशन टू दैट प्लेस, समझ रहे हो? ब्राइट टाउन स्टेडियम में आपने 100 रुपए की पर्ची कटाई, वो सिर्फ अंदर घुसने के लिए है, सारे गेम्स खेलने के लिए नहीं, उसके लिए तो अलग पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो वो 100 रुपए किस लिए दिया आपने सिर्फ एडमिशन अंदर घुसने के, समझ रहे हो? तो अगर आप कोई भी इवेंट ऐसे ही सपोज कॉमेडियन आते हैं तो उनके शो में घुसने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिल्म स्टार आते हैं उनके शो में घुसने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सर्विसेस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जहां पे वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है या जहां पे वो पार्क सिचुएटेड है, वो प्लेस हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, लिख लो बाजू में, रजिस्ट्रेशन ये एक नोट लिख लो, और ये जहां जहां रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट इज रिलेवेंट ये वहां रेफर नोट कर देना, नीचे एक नोट लिख लो, नोट वन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट इज इररिलेवेंट, 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 ठीक है? किया आया ना? तो यहाँ फोर्थ पॉइंट पे और सिक्स्थ पॉइंट पे लिख दो रेफर नोट वन, फर्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट पे भी लिख दो रेफर नोट वन, ये इमोबल प्रॉपर्टी वाले में रेफर नोट वन, फोर्थ वाले में रेफर नोट वन, सिक्स्थ वाले में रेफर नोट वन। ठीक है, अभी एडमिशन की बात की थी बस हमने, कोई भी कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट में घुसने के लिए जो पैसे दिए उसके लिए प्लेस अप्लाई होगा, लोकेशन जहां पे वो इवेंट हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना? मैं मध्य प्रदेश में हूँ, सप्लायर जो टिकट बेच रहा है एडमिशन की वो दिल्ली में है, इवेंट हो रहा है लंदन में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो टिकट बेच रहा है वो दिल्ली में है, मैं टिकट खरीद रहा हूँ एडमिशन के लिए, मैं जबलपुर में हूँ, इवेंट हो रहा है लंदन में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लंदन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आउटसाइड इंडिया। टिकट सेलर दिल्ली में है, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, इवेंट हो रहा है गोवा में, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? गोवा, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती है कंपनी, ठीक है? सपोज नर्मदा इवेंट्स है, नाम सुना है? जो नर्मदा इवेंट्स है जो ऑर्गेनाइज करती है इवेंट्स, ठीक है? जो पीएससी कोई सेलिब्रिटी बनाते हैं या कोई प्रोग्राम है तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, उनको पैसे कौन देता होगा ऑर्गेनाइज करने का? पैसा हम तो एडमिशन फीस देते हैं, ठीक है? जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, जो मतलब जिन्हें इवेंट कराया वो लोग ऑर्गेनाइजर, मतलब बेसिकली जो कमेटी रहती है जो लोग कोई भी इवेंट करा रहे हैं
ऑर्गेनाइजर कि भाई आप बच्चों की व्यवस्था कैसे होगी, क्या क्या इवेंट होंगे, वहाँ होंगे एंकर कौन होगा, कितने बजे चालू होगा, कितने बजे बंद होगा, क्या डेकोरेशन होगा, क्या कंटेनमेंट होगा, सब चीज का ध्यान उसको रखना है। ऑर्गेनाइजिंग यही होता है ना इवेंट, है ना, हम लोग का पैसा नहीं है तो दो स्टूडेंट को बोल देते हैं तुम ये ऑर्गेनाइज करो, समझ रहे हो। तो बड़े लेवल पे जब होता है तो ऑर्गेनाइजर प्रोफेशनली अपॉइंट होते हैं, समझ रहे हो। तो उन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सीधे प्लेस सप्लाई क्या होगा, तो ध्यान देना, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल आर्टिस्टिक, सेम चीज जो ऊपर लिखी है, एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन सेलिब्रेशन ऑफ सिमिलर इवेंट्स और सर्विसेज एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स और सर्विसेज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स, इन सब चीजों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो भाई अब देखो, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे इवेंट एक्चुअली हो रहा है, बराबर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो इट्स विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिडेंस। बहुत ध्यान से अंदर समझना, सबसे पहले मैंने बात की थी एडमिशन टू एन इवेंट, जब एडमिशन की बात कर रहा था तो वहां पे रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना या अनरजिस्टर्ड होना सिर्फ बात नहीं पड़ता, क्योंकि सोचो जनरली कि भाई सर्कस में, कल्चरल इवेंट में, आर्टिस्टिक इवेंट में, स्पोर्टिंग इवेंट में, जब आईपीएल भी देखा जाता है तो फीस लगती है ना, वो क्या मुस्लिम की फीस है स्टेडियम में, तो वो कौन लोग जाएंगे, रजिस्टर्ड लोग जाएंगे कि अनरजिस्टर्ड लोग जाएंगे, हम और आप जाएंगे ना, मेनली मैं बिजनेस करना नहीं चाहता हूँ, पर्सनल लेवल पे चाहता हूँ ना, बिजनेस तो ठीक है। उसके बाद मतलब क्या जब सर्विसेज बिजनेस के लिए नहीं जाती तो उसको आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता तो उसके बाद नहीं मिलता, तो इसलिए वो वहां पे रेसिपिएंट का स्टेटस देता है, ठीक है। अब इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया होगा, ट्रेन सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, उस केस केस में एलिमिनेशन केस में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग में क्योंकि इनको टैक्स क्रेडिट मिलता है साथ में, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन एड्रेस ही क्या है ताकि वो इनको टैक्स क्रेडिट ले सके, रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो लोकेशन, लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो भी हमको टैक्स चाहिए तो उसपे हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दे देंगे, अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उसपे क्या ले लेंगे, लोकेशन ऑफ ऑफिस। रिपीट कर रहा हूँ, एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज है तो उसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है वेयर लोकेशन ऑफ दैट इवेंट। ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड सर्विसेज है तो उसके लिए हम देखेंगे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर इवेंट के सेम पे, लेकिन इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक से ज्यादा स्टेट में होगा तो प्रपोर्शनल लिख लो, ठीक है, ये लिखा है पूरा उसमें, ठीक है, तो पढ़ लेना। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए अलग है प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अलग है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या है, सर्विस
मैंने गुड्स बेचे आपको, और एक मैंने ऑटो, एक मैंने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया कि भाई ये गुड्स यहाँ से वहां ले जाओ। ठीक है, सपोज आप नागपुर में हो, मैं जबलपुर में हूँ, जबलपुर से नागपुर में गुड्स भिजवा रहा हूँ, मैं तो गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैंने ये गुड्स के लिए 300 रुपए क्या होगी नागपुर, जहाँ गुड्स के परमिशन को लोकेशन वगैरह मोमेंट ऑफिस पर लोकेट होगा रसीद में। एक मिस्टर ए है जो ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसके लिए वो अलग चार्ज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकता है मैं पे कर रहा हूँ, हो सकता है ट्रांसपोर्टर के लिए क्लेम क्या हो सकता है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेन कोरियर से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या लिखा है? सिक्स रजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है अगर तो क्या? ध्यान से देखना है यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर मतलब क्या होगा? डेस्टिनेशन हो हमारे दिमाग में रहता है, तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन सा है हैंडलिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यस, रजिस्टर्ड नहीं है तो वे गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज गवर्नमेंट ने सोचा कि जब एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट मतलब क्या? इंडिया से मुझे बाहर जा रहे हैं, मैंने बोला था आपको एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, एक्सपोर्ट गुड्स को करना है, टैक्सेस को नहीं करना है, मतलब टैक्स नहीं लगाना है उस पे। तो अगर ऐसा केस है कि गुड्स बाहर जाने वाले हैं तो व्यक्ति तो अनरजिस्टर्ड ही है, तो आप ओरिजिन पॉइंट ले लोगे, ओरिजिन पॉइंट तो इंडिया में है तो टैक्स लग जाएगा, तो सिर्फ इस केस के लिए हम ओरिजिन पॉइंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? डेस्टिनेशन पॉइंट। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन पॉइंट। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट द पॉइंट विल बी डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, ठीक है, बाकी रीड कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना जल्दी जल्दी में। एक दो पॉइंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, दोनों में अंतर क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पे इंसान को क्या? हाँ, यहाँ पे इंसान को एक जगह उस जगह फेंक रहे हैं, वहां पे गुड्स को फेंक रहे थे, तो ओला उबर इसमें आते हैं। ठीक है, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? तो अगर रजिस्टर्ड है पर्सन तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और रजिस्टर्ड नहीं है तो वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस मतलब जब कन्वेयंस में चढ़ा, देन ओरिजिन पर, अगेन ध्यान दो, ओरिजिन, मैं बेंगलोर से मुंबई आया और मुंबई से दिल्ली सेम फ्लाइट में, कंटिन्यूअस जर्नी थी मेरी, फ्लाइट का स्टॉपेज था बट मेरी जर्नी कंटिन्यूअस थी, तो मेरे लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? बैंगलोर, जहां से मैं चढ़ा, ट्रेन जबलपुर से दिल्ली जा रहा था, 50 स्टेशन पे रुकते हुए गई, बट मैं कहाँ चढ़ा? जबलपुर में। प्लेस सप्लाई क्या होगी? जबलपुर, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड हूँ तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। नेक्स्ट, provided that where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of issue of right of passage, the place of service shall be determined according with provisions of subsection.
क्या होता है, सपोज मेरा फ्रेंड था, उसका बर्थडे है, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको एक इंडिगो का वाउचर दे दिया। इंडिगो का वाउचर मतलब हमने उसको एक कूपन दिया जिससे वो फ्यूचर में इंडिगो की कोई भी राइड ले सकता था। 10,000 रुपये कूपन, सपोज 10,000 रुपये की कोई भी राइड ले सकता, कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो क्या मुझे पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन पता है? एम्बार्केशन मतलब किस जगह पे वो चढ़ेगा वो पता है क्या? नहीं, कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे केस में क्योंकि पता नहीं है तो टैक्स तो छोड़ के चलते हैं, तो वो बोलता है जनरल क्लॉज की मदद ले लो, जनरल क्लॉज जो बोलता है उसके हिसाब से सप्लाई। जनरल क्लॉज क्या बोलता है? रेसिपिएंट लोकेशन, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो, और एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल दिया कि आना अलग जर्नी है, जाना अलग जर्नी है, दोनों की एक साथ टिकट कराई फिर भी आपको दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। दो सप्लाई है, जबलपुर से दिल्ली जाना अलग, दिल्ली से जबलपुर आना अलग। जबलपुर से दिल्ली जा रहा हूँ वाया भोपाल तो ये एक ही जर्नी है, लेकिन जबलपुर से दिल्ली जाना और दिल्ली से जबलपुर जाना दोनों अलग अलग जर्नी। पहले जर्नी के लिए फ्यूल सप्लाई जबलपुर होगा, दूसरे जर्नी के लिए फ्यूल सप्लाई दिल्ली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस मतलब जैसे गुड्स दिए जाते हैं फ्लाइट में, गुड्स मैंने एग्जांपल दिया था, खाना दे दिया आपको पैक्ड फूड, दैट इज गुड्स, पैक्ड मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे दी, दैट इज व्हाट गुड्स। ऐसे चाय बना के भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, उसके पास गर्म पानी रहता है, जो भी बोलो तुरंत बना के देता हूँ। वो क्या हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, महंगी फ्लाइट हो गई तो वहां पे हो सकता है वीडियो गेम की लिंक सर्विसेज भी रहती है ऑनलाइन, आप तो ऑनलाइन बिताओ ऑन एयर मतलब हवा में आप वीडियो गेम खेल सकते हो। तो ऐसे बहुत तरह की सर्विसेज ऑन एयर प्रोवाइड की जाती है। उन सर्विसेज के लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस फॉर द जर्नी। गुड्स के लिए क्या था? तो गुड्स जहाँ ऑन बोर्ड आए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्विसेज के लिए जो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है उस कन्वेयंस का वो लोकेशन होता है। सपोज एक फ्लाइट जा रही है हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाते वक्त मैंने वीडियो गेम खेला, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मुंबई से दिल्ली जाते वक्त मैंने वीडियो गेम खेला, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? हैदराबाद से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है फ्लाइट का? हैदराबाद। तो प्ले ऑफ सप्लाई क्या होगी हमेशा? हैदराबाद। चाहे मैं हैदराबाद से मुंबई के बीच में खेलूं या मुंबई से दिल्ली के बीच में खेलूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा प्ले ऑफ सप्लाई क्या होगी? हैदराबाद। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट व्हीकल और एयरक्राफ्ट, ठीक है। हाँ, ओरिजिन ये ओरिजिन, लेकिन गुड्स से अलग है। गुड्स जहां चढ़ाए जाते हैं वहां, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से दिल्ली फ्लाइट जा रही है, गुड्स अगर चढ़ाए गए मुंबई में वो मुंबई हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो होगा, ठीक है। इतना पढ़ लेना, फिर 11, 12, 13, 14 अपन कल करेंगे। ये रीड कर लेना, देखो इनको याद रखना है अपन को, तो एक बार में याद नहीं होंगे इनको, हमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो क्लॉजेज में रेसिपिएंट की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट, उसको अलग बात करनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3-4 बार याद करोगे तब याद होगा, ठीक है, लेकिन ये याद करना जरूरी है क्योंकि मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा जो पास्ट एग्जाम्स में आए हैं, तो आपको समझ में आए